भोपाल में प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू, एवरेज 7.19% रेट बढ़े। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। भोपाल में प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू, एवरेज 7.19% रेट बढ़े। कोलार, सलैया, अयोध्या बाईपास, मिसरोद में सबसे महंगी प्रॉपर्टी। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में बुधवार से प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू हो गई। भोपाल शहर के 1443 लोकेशन पर एवरेज 7.19% गाइडलाइन यानी कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं। अब कोलार, सलैया, अयोध्या बाईपास और मिसरोद में प्रॉपर्टी सबसे महंगी हो गई है। यहां पर 25% से लेकर 94% तक रेट बढ़ाए गए हैं। शहर से जुड़े इलाकों में बसी 22 कॉलोनियां भी गाइडलाइन से जुड़ गई हैं। यानी अब तक गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री होगी। पहले गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश ने इसे स्थगित कर दिया था। इस वजह से भोपाल समेत प्रदेश भर में नई गाइडलाइन लागू नहीं हुई थी। बुधवार को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष और महानिरीक्षक पंजीयन एम सेलवेंद्रन ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को नई गाइडलाइन के संबंध में निर्देश जारी कर दिए। इसमें बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन वर्ष 2024-25 को लागू किए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रदान की है, इसलिए आज से ही गाइडलाइन लागू कर दी जाती है, जिसके चलते गाइडलाइन 3 अप्रैल से ही लागू हो गई है। सबसे ज्यादा 1228 लोकेशन शहरी इलाकों की, भोपाल में कुल 3900 लोकेशन है। इनमें शहर में 3110 और ग्रामीण क्षेत्रों में 790 लोकेशन है। नई प्रस्तावित गाइडलाइन में कुल 1443 लोकेशन में गाइडलाइन बढ़ाई गई है, जिनमें शहरी क्षेत्र में 1228 और ग्रामीण क्षेत्र में 215 लोकेशन शामिल हैं। जिला मूल्यांकन समिति ने प्रस्तावित गाइडलाइन पर 4 दिन तक सुझाव मांगे थे, इस पर कुल 20 सुझाव आए। ऐसे महंगी होगी प्रॉपर्टी। नई गाइडलाइन के बाद जमीन मकान की खरीद फरोख में लोगों को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी। जिन इलाकों में ज्यादा रेट बढ़े हैं, वहां या तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर प्रस्तावित हैं। मुख्य रूप से कोलार में 6 लेन, अयोध्या नगर में 10 लेन रोड प्रोजेक्ट और 100 बेड वाले अस्पताल का निर्माण, भानपुर खंती का खत्म होना प्रमुख कारण है। होशंगाबाद रोड पर डबल डेकर फ्लाईओवर, सलैया व में नए आरओबी और अधिक रजिस्ट्री होना मुख्य कारण है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 1443 लोकेशन पर गाइडलाइन बढ़ेगी, बाकी बची 2557 लोकेशन पर गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है। 22 नई कॉलोनियों को लोकेशन में जोड़ा गया है। ये कॉलोनी शहरी से बाहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।